और पैसे की कोई कमी नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि पहली बार 35-40 जेसीबी लगी हुई है, हर कंस्टिट्यूंसी में 35-40 जेसीबी। पैसे की कोई कमी नहीं रखी ताकि हमारे बागवान की जो सेब है वो मंडियों तक पहुंचे। हिमाचल में आपदा के बाद राहत व पुनर्वास के प्रयास जारी है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आपदा से प्रभावित ऊपरी शिमला के दौरे पर हैं। आज वे शिमला जिला के चौपाल पहुंचे। यहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से बात की और उनका दर्द जाना। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल सरकार पूरी ताकत के साथ सड़कों की बहाली में जुटी हुई है ताकि बागवानों के सेब को समय पर मंडियों तक पहुँचाया जा सके। सेब मंडियों में सही ढंग से पहुँचे। रोहित ठाकुर जी ने पिछले दिनों इस क्षेत्र का दौरा किया, हर्षवर्धन चौहान जी ने दौरा किया और हमने कहा है पीडब्ल्यूडी को कि ये जो हमारा बागवान है इसकी फसल साल में एक बार होती है, किसी भी कीमत पर उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं खुद भी सारे एरिए का दौरा कर रहा हूं। मैं 2 दिन के लिए चौपाल, रोड़ू, नारकनी यहीं हूं और जुब्बल कोटखाई, सब जगह हम देख रहे हैं कि जो संपर्क सड़कें हैं उन संपर्क सड़कों से हमारे बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने बताई है कि कई जगह पूरे रोड बह गए हैं और जो प्राइवेट लोगों की जगह है उस जगह से अभी लोग थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। मेरा उनसे भी प्रार्थना है कि थोड़े समय के लिए आप इसको खोल दीजिए, जब तक बागवान का जो किसान का सेब मार्केट तक नहीं पहुंचता है, उसके बाद हम उसका जो मुआवजा होगा उस सड़क का ठीक करने में हम पूरा पैसा भी देंगे। जब से भारी बरसात हुई है 17 से 21 जुलाई के बीच में इस क्षेत्र में ज़्यादा बरसात हुई है। पहले हमारे को 7 से 11 जुलाई तक मनाली पूरा कुल्लू वेस्ट अफेक्टेड है। इस समय प्रदेश में 50 साल में ऐसी आपदा पहली बार आई है और पहली आपदा आने के बावजूद 50 साल में कभी हमारे जीवन काल में ऐसी आपदा नहीं आई है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। मैंने अपने साधनों से कट लगाकर 110 करोड़ रुपया जो बागवान वाले, चाहे मंडी के बागवान हैं, चाहे चौपाल के बागवान हैं, जुब्बल के हैं, नरोडू के हैं, चड़गों के हैं, किन्नौर के हैं, स्पीति के, जहाँ के भी कुल्लू के हैं, उनके डिवीजनों को 110 करोड़ रुपया उपलब्ध करवा दिया, पहले ही करवा दिया और पैसे की कोई कमी नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कि पहली बार 35-40 जेसीबी लगी हुई है, हर कंस्टिट्यूंसी में 35-40 जेसीबी। पैसे की कोई कमी नहीं रखी ताकि हमारे बागवान की जो सेब है वो मंडियों तक पहुंचे। और उसके बाद मैं खुद देखने आया हूं कि कहां और क्या जरूरत है। हम रात दिन ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए, लेकिन आपदा की इस घड़ी में हम कहीं भी कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मेरा ये प्रयास है, किसान बागवान बड़ी मुश्किल से साल में एक बार सेब की फसल उगाता है, अगर उसकी फसल सही समय पर मंडी में नहीं पहुंची, उसे नुकसान हो गया तो उसकी जो आर्थिक बजट है वो खराब हो जाएगा। मेरा प्रयास इसी कड़ी में आज जितने भी बागवान वाले क्षेत्र है उसमें जाने का है। पिछले दिनों मैंने यहाँ अपने उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी को भेजा, सभी जगह मंत्री इसकी ड्यूटी लगाई है और जब मैंने आज खुद देखा तो मैंने ये फैसला किया कि अभी तुरंत प्रभाव से जो हमारा चौपाल का डिवीजन है छोटे टेंडर लगाकर 7 दिन के अंदर टेंडर लगाकर उस कार्य को अगले 10 दिन में पूरा करने की हमने ठानी है, हम उसको कोशिश करें।